जहां ये पॉलिटिशियन घुसते हैं वहां बेड़ा गर्क हो जाता है। इस तरह की सोच का हिंदुस्तान के संस्कृति में कहीं कोई जगह नहीं है। अब ये तो ब्राह्मणिकल थॉट है कि कोई व्यक्ति जो है सोच ही नहीं सकता, या केवल हम ही सोच सकते हैं, या फला फला लोग भी सोच सकते हैं। अब मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं। तो है ब्राह्मणिकल थॉट कि कोई जो दलित है, जो आदिवासी है, वो सोचने का काम नहीं कर सकता, वो विद्वान नहीं हो सकता, वो राजा नहीं बन सकता, वो व्यापार नहीं कर सकता, यही तो ब्राह्मणिकल थॉट है। बाबा साहब अम्बेडकर जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको आगे बढ़ाने वाला, अपना नाम देने वाला अम्बेडकर जी जो थे वो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे। ये पहली बार आपने पूरे डिबेट में, ठीक है, मैं रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप मनुस्मृति में लिखा स्त्री शूद्रो विद्या ना जातम, स्त्री शूद्रो को शिक्षा देना, ज्ञान देना, भरपेट भोजन न देना। अशोक सिन्हा जी, एक मिनट रुक जाइए, लिखा है अशोक सिन्हा जी, एक मिनट रुक जाइए, जो ट्रांसलेट किया था उसमें लिखा है, मैं एक मिनट रुक जाइए, अगर ये मनुस्मृति में लिखा होता तो हजारों दलित लोग इस देश के संस्थापक विद्वान नहीं होते। महाभारत लिखने वाले भी दलित थे, सीता माता को शरण देने वाले भी दलित थे, और अभी हमारे भाई साहब ने बोला बुद्ध खुद जो है एक पिछड़े वर्ग से आते थे, उनका परिवार राजा था आज के 2500 साल पहले, ठीक है, दलितों ने भी इस देश में राज किया है। एक मिनट रुक जाइए, इस मुल्क में इस, एक मिनट रुक जाइए, अभी रुक जाइए, एक ही मिश्रा जी, देखिए एक चीज से आप इनकार नहीं कर सकते कि एक ऐसा मुल्क है कि जब तक किसी मसले पर राजनीतिकरण ना हो, पॉलिटिसाइजेशन ना हो, तब तक सोल्यूशन निकलता भी नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है, ठीक है, समझिएगा, किसान हो, दलित हो, तो ये क्या पश्चिमी संस्कृति वाले थे जो रोक रहे थे, ये तो आज की संस्कृति लोग थे ना, ये क्या है, आपने क्यों कह रहे हैं ये आपकी संस्कृति के रहते हुआ है, आपकी संस्कृति के मानने वाले लोग को मानते हैं, छूत करते हैं, कौन थे अम्बेडकर, नाम का मतलब क्या है आप मुझे बताइए, हमें पता है अम्बेडकर कौन थे, अम्बेडकर हमारे समाज का नेता था, सर अम्बेडकर की उपाधि उनको किसने दी, अम्बेड गांव वाले थे, सर उनके गुरु जी का नाम बताइए, बाबा साहब उनके गुरु का नाम बताइए, अपनी खुद सबसे बड़े की अम्बेडकर ने थोपी है, आज तक अपनी गंदगी बर्दाश्त रखी है, आज तक आपकी गंदगी अम्बेडकर के अम्बेडकर एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जिसका नाम आज भी चल रहा है। ये हर चीज पे आप ब्राह्मणों को किसी को कोसना बंद करिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बोलिए सर, मैं इस देश के जो गैर दलित गैर आदिवासी समाज है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने समाजों को ये निर्देश दीजिए कि जो भी दलितों पर अत्याचार करेगा, नहीं, नहीं, आदिवासी पर अत्याचार करेगा, उसका समाज से बहिष्कार करेगा। अभी ये डिबेट ट्रैक पे आया, मैं बोल रहा हूँ सर ये सामाजिक समस्या है, कबीर दास के टाइम पे ऐसी समस्याएं थी, कबीर दास ने बहुत काम किया, अब आपने वाकई में बड़प्पन की बात की है। देखो ब्राह्मणों ने तो इस देश का बेड़ा गर्क किया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, राम जी की और सीता जी की शादी हुई, सबसे ज्यादा विद्वान जो वहां पे थे पंडित थे, उन्होंने कुंडली मिलाई, कुंडली मिला कहा कि ऐसा योग सुन, अरे बिना बिना योग के आप देखिए, पढ़िए ना, नाम तो बताइए ना, अरे आप, मैं पंडितों की बात कर रहा हूँ, आप मैं पंडितों की बात कर रहा हूँ, पूरा ज्ञान है, अरे तो आप उल्टा सीधा सुन तो लीजिए ना, या तो आप पंडित, आप सुनते ही नहीं, आप सुनते ही नहीं होंगे, अधूरा अधूरा ज्ञान मत प्रेजेंट करिए, गलत इतिहास मत बताइए। चलिए बुद्ध मनु से पहले आए थे, राम से पहले आए थे, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, नहीं मैं बात नहीं, पैदा भी हुए थे सर, जिसको अभी पता ही नहीं वो पैदा भी हुए थे, इसीलिए बोलता हूँ आपको, यहाँ पे दो बात करना चाहती हूँ जी मिश्रा जी के साथ में, मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा। और जब 123 मामले दलितों के खिलाफ आते हैं तो सवाल भी बड़े और कड़े खड़े होते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां पर दलित आंदोलन का ज्योतिबा फुले से लेकर के आज तक एक बड़ा इतिहास रहा है, एक ऐसा मुल्क जहां पर दलितों के खिलाफ दमन के मामले हर रोज लगभग 123 के आसपास आते हैं, और वहां पर दलित ने जब घुड़चढ़ी कर ली तो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर भी बन गई। खबर आई उत्तर प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े सूबे से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका कासगंज, वहां से खबर आई है। इसी पर मैं एके मिश्रा पॉलिटिकल कमेंटेटर मेरे साथ में मौजूद है। अब ये तो ब्राह्मणिकल थॉट है कि कोई व्यक्ति जो है सोच ही नहीं सकता, या केवल हम ही सोच सकते हैं, या फला फला लोग भी सोच सकते हैं। अब मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं। ब्राह्मणिकल थॉट कि कोई जो दलित है, जो आदिवासी है, वो सोचने का काम नहीं कर सकता, वो विद्वान नहीं हो सकता, वो राजा नहीं बन सकता, वो व्यापार नहीं कर सकता, यही तो ब्राह्मणिकल थॉट है, और यही आप व्यवस्था बना रही है। मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, बनने उसकी योग्यता में कोई संदेह नहीं है, एक मिनट उसके बनने में कोई संदेह नहीं है। बोलिए राशिद, आज की डेट में जो ये तथाकथित अपने, एक मिनट सर, संघ विचारक साहब, एक मिनट शांत, महात्मा गांधी आए थे
सर शांत रहिए। उन्होंने पूछा था ठीक है कि संघ की शाखा में कितने हरिजन जाते हैं, तो इस दृष्टि से हम सोचते नहीं थे, मगर वहां बहुत से लोग खड़े हुए और गांधी जी ने प्रशंसा की इस बात की। साहब लाठी चलाने के लिए तो करता सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां लाठी बांधने के लिए दलितों की भर्ती करते हैं। मरेंगे दलित, कटेंगे दलित और शासन करेंगे आप। अब ये चलने वाला नहीं है, इस मुबालसे में दलित फंसने वाले नहीं है, आदिवासी फंसने वाले नहीं है। राशिद देखिए मैं आपको वो वक्त चला गया जब खलीफे ने बागता उड़ाया करते थे। हाँ। नहीं नहीं अब उड़ाने वाले नहीं है राशिद, मैं आपको अब तो सत्ता में कब्जा करेंगे। नहीं, नहीं, आप सुनिए, 15-20 सदी और 85 फीसदी में लड़ाई है। अरे 85 फीसदी लोग इस सत्ता में काबिज करेंगे। ठीक है सर, जो है एक जात की दादागिरी चलने वाली नहीं है, चाहे सत्ता में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, एक जाति की व्यवस्था कहीं चलने वाली नहीं है। ठीक है राशिद, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने भी, सबसे पहले तो मैं बोलूं जो ये घटना हुई है वो वाकई में निंदनीय है, और हजारों लाखों साल की जो हमारी परंपरा है इस तरह की सोच का हिंदुस्तान के संस्कृति में कहीं कोई जगह नहीं है। तो ये क्या पश्चिमी संस्कृति वाले थे जो रोक रहे थे? आप मुझे तो आज की संस्कृति लोग थे ना, मुझे ये कहते हैं आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये आपकी संस्कृति के रहते हुआ है, आपकी संस्कृति के मानने वाले लोग जात को मानते हैं, महसूस करते हैं। अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर नाम का मतलब क्या है आप मुझे बताइए। हमें पता है अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर हमारे समाज का आदर्श था। अंबेडकर की उपाधि उनको किसने दी? अंबेडकर गांव वाले थे। उनके गुरु जी का नाम बताइए, बाबा साहब उनके गुरु का नाम बताइए। अपनी खुद सबसे बड़े की आजादी है, थोपी है आज तक अपनी गंदगी आज रखी है, आज आपकी गंदगी अंबेडकर के तैयार नहीं है। अंबेडकर एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जिसका नाम आज भी चल रहा है। ये हर चीज पे आप ब्राह्मणों को किसी को कोसना बंद करिए। एक मिनट मुझे लॉजिक देने दीजिए, मैं चिल्लाने के लिए नहीं आया हूँ आपकी तरह। मैंने पहले बोला कि आज के डेट में ये जो तथाकथित अपने आप को कहीं के भी किसी भी पार्टी के वो विचारक और चिंतक हैं, मैं एक चीज को ऑब्जेक्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ वाल्मीकि कौन थे? अगर बोलते हैं कि आप ही बताइए ना, आप एक मिनट शांत रहिए, आप ये बताइए। मैं बता रहा हूँ राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की राम मंदिर में क्यों नहीं लगाते? आप दुर्गा मंदिर में क्यों नहीं लगाते? आप पुताकी मंदिर में क्यों नहीं लगाते? आप प्राचीन इतिहास से दलितों की स्थिति बता रहा हूँ, इतिहास बता रहा हूँ आपको। बताने आपने अंगूठा किसने काटा? द्रोणाचार्य नाम के व्यक्ति ने एक लोहे का अंगूठा काटा, भीम का अंगूठा काटा, राम ने शंभू की गर्दन काटी। क्या बात करें, ये संस्कृति है अंगूठा काटने की संस्कृति, जब ये राजनेता काटने की संस्कृति, ये संस्कृति हमें स्वीकार नहीं है। चिंगारी को आग में बदल देते हैं, सबने ठेकेदारी कर ली है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, बाबा साहब अंबेडकर जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको आगे बढ़ाने वाला, अपना नाम देने वाला अंबेडकर जी जो थे वो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे। बुद्ध जिनको आप लोग मानते हो वो छत्री थे, गलत है मियां थे। बुद्ध छत्री नहीं थे, शाक्य थे। पिछले इतना झूठ केवल आप ही बोल सकते हैं। चले ठीक है, बड़ा झूठ ठीक है, मिश्रा जी ही बोल सकते हैं। ठीक है, मिश्रा पांडे ही बड़ा झूठ बोल सकते हैं। और कोई क्या झूठ बोल सकता है? माता पिता क्या थे भाई का? जाति का टिप्पणी छोड़िए ना अशोक भाटी जी, अशोक भाटी जी जाति का टिप्पणी आप लोग छोड़ दीजिए, जाति का टिप्पणी आप लोग छोड़ दीजिए, मिश्रा पांडे मत कीजिए, ठाकुर ब्राह्मण मत कीजिए, एक ना डुक जाइए। ठीक है, वापस लौट कर जाइए मिश्रा जी। ठीक है, वापस लौट कर जाइए। ठीक है, वापस लौट करके डिबेट पे आते हैं। आप दोनों ही चुप हो जाइए। ठीक है, आप दोनों ही, ठीक है आप दोनों ही चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। बुद्ध मनु से पहले आए थे, ठीक है, से पहले आए थे। ठीक है सर, ठीक है सर, चुप हो जाइए। नहीं मैं बात पैदा भी हुए थे सर, जिसको अभी बताया नहीं वो पैदा भी हुए थे। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, पता है केवल आपको ज्ञानी है महाराज, एक मिनट रुक जाइए मिश्रा जी, आपको ज्ञानी है, आपके ज्ञान से ही ये देश सबसे पहले आपके ज्ञान से ही देश तबाह। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुक जाइए। मिश्रा जी रुक जाइए, मायावती जी, बहन जी चार बार मुख्य ऐसा है आपका। हाँ रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए सर, रुक जाइए आप, सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, सर रुक जाइए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपने नाक नहीं डाली होती तब बना राष्ट्रपति सर हो गया, ठीक है, बना राष्ट्रपति हो, ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। वोट बैंक की राजनीति, ठीक है, आप जबरदस्ती
नेता बनने की कोशिश मत करिए। ठीक है, बस बस रुक जाइए। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए। मुझे मजबूरी वश रोकना पड़ेगा, मुझे मजबूरी वश रोकना पड़ेगा। नहीं, आप भी रुके सर, सर रुके, सर रुके, आप भी रुके। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं बात कुछ कहना चाहते थे। नहीं, मैं बात को सुनिए, उसके बाद मैं अनिला जी के पास भी जाऊंगा। सावित्री बाई फुले भी इंतजार कर रही है, प्रदीप जी आपके पास भी आ रहा हूँ। राशिद भाई, देश का दुर्भाग्य है। मिश्रा जी जिस तरीके से कह रहे थे कि इन्होंने भी दलित को राष्ट्रपति बनाया है, अभी हाल फिलहाल में ही बहुत अच्छी न्यूज आई थी कि वो ब्रह्मा के मंदिर में जाते हैं और उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। ये तो इस देश का संविधान है और उस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं करता। ये जायज हुआ? हाँ, मुझे बताइए, जायज है? उसको हक है या नहीं है जाने का? उनको मंदिर में जाने का हक है या नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि किसी को मंदिर में जाने से रोको, ये सामाजिक कुरीति है। लीजिए मिश्रा जी, आप तो बहुत चिल्ला रहे हैं, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे बाप बताइए, आज इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आप सुन लीजिए ना बाबा साहब अम्बेडकर। अरे मिश्रा जी सुन लीजिए, अरे मिश्रा जी सुन लीजिए, देखो मैं सही तर्क दे तो रहा हूँ आपको। उनको सीढ़ियों पर बिठा के पूजा कराई गई, देखा गया, सुना आपने? उसके बाद वो जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की होती है, इतने बड़े पद के साथ तो इतनी बड़ी घटना होती है। दूसरी बात मैं बताने देना चाहता हूं आपको, देखो ब्राह्मणों ने तो इस देश का बेड़ा गर्क किया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, राम जी की और सीता जी की शादी हुई, सबसे ज्यादा विद्वान जो वहां पे थे, पंडित थे, उन्होंने कुंडली मिलाई, कुंडली मिला कहा कि ऐसा योग सुन। अरे बिना बिना योग के आप देखिए, पढ़िए ना, नाम तो बताइए ना। अरे आप, मैं पंडितों की बात कर रहा हूँ, आप पंडितों की बात कर रहा हूँ ना, पूरा ज्ञान है। अरे तो आप उल्टा सीधा प्रश्न करो लीजिए ना, या तो आप पंडित आप सुनते ही नहीं मिलाई, आप सुनते ही नहीं हो। अच्छा बताइए, मत प्रेजेंट करिए, गलत इतिहास मत बताइए, बताइए, चलिए आगे बताइए, बात सुनिए, चलिए बताइए आगे बताइए। अच्छा बताइए, अगर आपके यहाँ कोई शादी होती है बिना कुंडली मिलाए होती है? नहीं नहीं, आप नहीं, मुझे वाली बात मुझे नहीं है। अरे सुन लीजिए, मिलाई थी ना, कुंडली मिलाई थी, बताइए कुंडली मिलाई तो क्या हुआ? सब गुण संपन्न थे या नहीं थे? आप क्या पूछोगे और जवाब भी दूंगा क्या? मैं सब गुण संपन्न थे या नहीं थे? 36 के 36 गुण मिले थे, मिले थे, मिले थे, एक्सेप्ट कर रहे हो ना? उसके बाद जब सीता और राम जी की शादी हो जाती है, आप ये देखिए, सबसे पहले उनको वनवास होता है, सुन लीजिए, सबसे पहले उनको वनवास होता है, उसके बाद वो रावण जी उनको उठा के ले जाते हैं, रावण जी ले जाते हैं, उसके बाद उनको सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बोलिए बोलिए, सुन लीजिए बोलिए, उसके बाद भी सीता मैया को अपनी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये गठजोड़ जो है सब जो है ये यही मिलाते हैं, पंडित ही मिलाते हैं। आप मुझे बताइए ना, ये एक बात बताइए ना, पंडित मुझे पूरा मामला पता है, सब कुछ पता है, आपको सीता जी के साथ ये अन्याय क्यों हुआ? मैं आपको बताइए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए। कुंडली मिलाने का साइंटिफिक रीजन, इसका सबसे बड़ा जो रीजन ये है, अगर कुंडली नहीं मिलाई होती, कुंडली मिलाई थी तभी सीता जी ने बोला कि भाई सारा सुख त्याग के मैं चलिए। देखिए घुटचड़ी की मेरी बहस को, घुटचड़ी की कुंडली नहीं मिलाई होती तो आजकल की जैसे लड़कियां बोलती है ना कि भाई तू जा वनवास, मैं तो जा रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिश्रा जी, मुझे मैं काम करता हूँ, मैं रोक देता हूँ। एक मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए, उसने बोला है। एक मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। नहीं मैं बाबा जी, नहीं बाबा जी, एके मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए, मेरी डिबेट को डिरेल मत कीजिए। एक मिनट रुक जाइए सर, सर रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, आप दोनों ही लोग, आप रुक जाइए, अनिला जी के पास में चलते हैं। अनिला जी ठीक है, रुक जाइए, आप सीता मैया को सीता मैया मानते हैं नहीं मानते? रुक जाइए, मानते हैं नहीं मानते? फिर क्यों उनको? अनिला जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रतीकों में दलित, हर पार्टी के प्रतीकों में दलित होते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होते हैं, संत कबीर होते हैं, ज्योतिबा फुले होते हैं, पेरियार होते हैं, गाडगे बाबा होते हैं, गुरु रविदास होते हैं, बाबू जगजीवन राम होते हैं, काशीराम होते हैं, रामनाथ कोविंद होते हैं, प्रतीकों में अनिला जी ये सब नाम होते हैं, जितने नाम मैंने गिनाए, लेकिन प्रतीकों से निकल करके दलितों की असल बात करने वाली पार्टी आजकल आज तक कोई आई क्यों नहीं? रुक जाइए अनिला जी, मेरा सवाल आपसे है। राशिद जी, आपकी डिबेट्स हमेशा बहुत बैलेंस्ड होती हैं, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है किस प्रकार से ये पीछे लड़ाई हो रही है और जाति सूचक नाम लेकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। यहाँ तो ये क्या है, असहिष्णुता ही तो है, इंटॉलरेंस ही है। एक अपने आप को दलित देश में हो रहा है ना, एक मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। अरे मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी बोलने दीजिए, अगर एक महिला यहाँ पर बोल रही है तो उनको बोलने दीजिए आप लोग प्लीज। भारती जी से ये पूछ लूं, जी मैं भारती जी से ये पूछ लूं, भारती जी आप तो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं, आपको पता है
जो एससी एसटी सीट्स होती हैं वो भी नहीं भर पा रही हैं बच्चों से। कहाँ है आपका दलित प्रेम? कितने बच्चों को आप पढ़ाकर गाइड करके आप आगे बढ़ाते हैं? देखिए राजनीति करना छोड़ दीजिए। और ये जो अभी बीएसपी के प्रवक्ता साहब है, ये भी व्हाट्सएप पे फैलाई हुई जो गलत अफवाह है कि कोविंद साहब को राष्ट्रपति जी को मंदिर में एंट्री नहीं करने दी, पूजा पाठ नहीं करने दी, वो भी गलत है। जहां छोटे मोटे नारायण साहब के साथ ये जो जी ठीक तो कह रही है, एक मिनट अनिला जी ठीक तो कह रही है, अशोक भारती को जवाब देने दीजिए। अनिला जी ठीक तो कह रही है, दलित चिंतक के नाम पर सियासत तो आप लोगों ने भी की है। अनिला सिंह आप भी बौद्धिक बहस मुबाहिसे में चले जाते हैं, वर्कशॉप सेमिनार सिंपोजियम में दिख जाते हैं, अखबार टीवी में दिख जाते हैं, लेकिन दलितों का उत्थान आपने कितना किया? मैं बता देता हूँ अनिला जी, और राशिद जी मैं सवाल अनिला जी की बात पूरी हो जाने, अशोक भारती जी रुक जाइए, अशोक भारती जी रुकिए, अनिला जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। बोलने दीजिए। हाँ जी राशिद जी, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आज मुझे अगर एक अटैक कर रहा है ब्राह्मण पे और एक अपने आप को किसी तरीके से बचा रहे हैं कि नहीं ब्राह्मण इतने बुरे नहीं होते। मिश्रा जी मैंने कोई सवर्णों की पंचायत यहाँ नहीं बिठाई हुई, एक मिनट रुक जाइए मिश्रा जी। हाँ बोलिए अनिला जी, बोलिए। मैं केवल इतना कहना राशिद जी, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। गरीब दलित का बच्चा जो है उसको भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का उतना ही अधिकार है। और मैं कहती हूँ ब्राह्मण ठाकुर बनिया कोई भी हो, वो गरीब है तो उसके बच्चे को भी उतना ही अधिकार है कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। कृपया करके इस लाइन पर सोचिए, सबका साथ सबके विकास के बारे में सोचिए, मत बांटिए। जो लोग दलित की आवाज उठा उठा कर राजनीति करते हैं, गरीबान में झांके, चाहे वो कोई सांसद हो चाहे वो दलित चिंतक हो, तथाकथित चिंतक बैठे हैं, हर चीज का ठीकरा एक चीज के ऊपर छोड़ के नफरत है और फैला देते हैं। क्या बुद्ध ने यही किया था? बुद्ध की यही शिक्षा थी? मैं जानना चाहता हूं, एक उदाहरण मुझे बताइए कि बुद्ध ने कभी ऐसा किया हो किसी जाति विशेष के साथ। अब रुक जाइए, अशोक भारती को जवाब देने दीजिए। नहीं भाई, उसके बाद आपके पास आऊंगा और बाकी पैनलिस्ट के पास भी चलूंगा। अशोक भारती जी जवाब दीजिए। देखिए आप जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सब साधन संपन्न लोग हैं, और सरकार आपकी केंद्र में भी है और 15-20 राज्यों में भी आपकी सरकार है। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आज के दिन भी अपने सीमित साधनों से हम 30,000 बच्चों को रोज कंप्यूटर पढ़ाते हैं, आपकी सरकारें नहीं पढ़ाती। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं 30,000 बच्चों की लिस्ट आपको नहीं, गलत। एक सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी बहन जी, मैंने तो कुछ कहानी बड़े प्यार से सुनी बहन जी, मैंने आपकी बात, आप सब आपने व्यक्तिगत सवाल पूछा ना, मैंने व्यक्तिगत सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय का सवाल, आप ये मत कहिए कि सरकारें कार्य नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, अब इतना तो अधीर मत होइए ना। अब आप जल्दी बात की दिल्ली विश्वविद्यालय की, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पे आ जाता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में केवल 66,000 सीट है और वहां पर अप्लाई करने वाले 4.5 लाख लोग हैं। आपकी सरकार भी और पिछली सरकारें भी, वो जिन गरीब जो बच्चे 12वीं पास करते हैं उनको ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि हर बच्चे को रेगुलर कॉलेज में दाखला मिलना चाहिए। उनको चूंकि आप रेगुलर कॉलेज में दाखला नहीं दे सकते, इसलिए अपर कास्ट अपर क्लास के जो गरीब बच्चे हैं उनको दलितों के खिलाफ खड़ा कर देते, उनके आरक्षण के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर 4.5 लाख लोग अप्लाई कर रहे हो, 4.5 लाख सीट हो, 4.5 लाख जगह हो, नहीं क्या कोई मार धाड़ होगी, कोई कोई होगा, लेकिन आप 4.5 लाख सीट बनाना नहीं चाहते। इस देश को 300 यूनिवर्सिटी की जरूरत है। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपको आंकड़े बार बता रहा हूं, मैडम आंकड़े बार बता रहा हूं, इस देश को 300 यूनिवर्सिटी की जरूरत है। आपकी सरकार केंद्र में भी राज्य में 300 यूनिवर्सिटी बनाने का प्रधानमंत्री जी को बोलिए पारित कर दें। और मैं बताना चाहता हूं, इस देश को 5 लाख प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों की जरूरत है। मेरी बात सुन लीजिए ना बहन जी, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 5 लाख टीचरों के रिक्रूटमेंट के लिए जो क्वालिफाइड है उनका रिक्रूटमेंट कर लीजिए। पिछले सालों से, कई सालों से रिक्रूटमेंट रुके पड़े हैं, प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं है और सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है। तो मेरा समझ ऐसा है
कि हमको ये सोचना चाहिए सरकार का जो भी बच्चा भागना चाहता है, वो टीचर का अपॉइंटमेंट भी लगातार कर रहे हैं, पर मुझे आप ये बता दीजिए जो झंडा उठाकर ठीक है, अब आप सब लोग रुक जाइए, अब आप सब लोग रुक जाइए, हम दलितों के लिए कार्य कर रहे हैं, हम दलितों के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, सरकारें तो अपना कार्य कर रही हैं। ठीक है, अब आप सब लोग रुक जाइए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप सिंह, ठीक है, समाजवादी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके भाजपा के, रुक जाइए अब आप रुक जाइए। हाँ, एके मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रदीप सिंह जी के पास में चलते हैं कि उन्होंने क्या किया। एक रुक जाइए, आप नया लगो इतना समाज, अरे महान काम कर रहे होंगे तो हाँ, टिकट हाँ, रुक जाइए अशोक भारती जी, एक मिनट रुक जाइए, प्रदीप सिंह के पास में हम चलते हैं। प्रदीप सिंह जी, बीएसपी को भी दलित याद आते हैं, बीजेपी को भी दलित याद आते हैं, एक जमाने तक में कांग्रेस का भी वोट बैंक दलित परंपरागत तरीके से रहे हैं, लेकिन आप लोगों को दलित हमेशा ही चुनाव के वक्त में क्यों याद आते हैं? समाजवादी पार्टी दलित साइकिल चेतना यात्रा अगर आप निकालने चले चुनाव के वक्त में निकालने चले, दलित नेताओं को लुभाने चले चुनाव के वक्त में लुभाने चले, महागठबंधन बनाने चले चुनाव के वक्त में बनाने चले, और दलित वोट बैंक आज की तारीख में समाजवादी पार्टी को भी इतना ज्यादा क्रूशियल लगता है कि आप मायावती के साथ में गलबहियां करते हुए भी चले? देखिए, चुनाव तो अभी 2019 में है और दलित चेतना रैली हमारी कम से कम 4 महीने से चल रही है, जिले जिले में चल रही है, तो दलित चेतना रैली या संगठन की जो और भी काम है वो सिर्फ चुनाव से जोड़ के मत देखिए, संगठन का एक सतत प्रक्रिया है, संगठन चलता रहता है, काम होता रहता है। दलित चेतना रैली आज हो रही है, इसके पहले भी हम लोग पूरे साल कम से कम 5 साल अगर हमारी सरकार नहीं भी रहती तो भी हम लोग सड़कों पर देखते हैं, ये समाजवादियों की ये पहचान रही हमेशा। रही बात समाजवादी पार्टी ने कभी दलितों की राजनीति के लिए कोई काम ऐसा नहीं किया कि दलितों को लुभाने के लिए, समाजवादी ने सर्व समाज के लिए काम किया है, और चाहे वो अपनी पिछले सरकार के हमारे जो काम हुए हैं उनको आप देख लीजिए, हमने अगर लैपटॉप बांटा तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ग विशेष को बांटा, हमने कन्या विद्याधन दिया तो ऐसा नहीं किसी एक वर्ग विशेष को दिया, अगर एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ, मेट्रो तमाम बनाए गए, यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको समाजवादी सरकार ने बनाया है, तो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन आज जो काम हुआ है, ये जो आपने अभी दिखाया है, चाहे भावनगर घटना हो चाहे यहाँ की, इसके पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो राष्ट्रपति के चुनाव में जब हमारे कोविंद जी को राष्ट्रपति का घोषित किया गया तो लगा कि दलितों में एक चेतना और दलितों में एक ऐसा उभार आएगा कि दलित जागरूक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक राष्ट्रपति दलित राष्ट्रपति बनने के बाद दलितों के ऊपर जितना उत्पीड़न हुआ है, पिछले अगर आप आंकड़े देख लेंगे तो सारे आंकड़ों से कहीं ज़्यादा उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है। इसलिए हम ये बार बार कहते हैं कि चाहे अंबेडकर को भुनाने की बात हो, अंबेडकर के नाम पे, अंबेडकर का नाम ये नहीं ये है, नाम पे राजनीति होती है, तो सारी चीजें अगर भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए कर रही है तो दलितों में कहीं सुधार तो नहीं आ रहा है, दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है वो तो यथास्थिति जारी है उनकी, तो सवाल ये है कि आप अगर दलितों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो सिर्फ दलित और अंबेडकर का नाम इस तरह न लीजिए, अंबेडकर का नाम किस तरह बरगलाने का लोगों का काम न कीजिए। राशिद, प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं बोलता हूँ 70 सालों में सरकारें रही हैं, मतलब आजादी के बाद की बात करूँ, हर वर्ग से हर समाज से नेता रहे हैं, सवाल ये है कि सब कुछ होने के बाद जो कमजोर थे किसी भी जाति बिरादरी के, जो किसी प्रॉब्लम में फंसे थे, आज स्थिति उनकी भी है, 70 साल के बाद भी अगर ये घटनाएं हो रही है तो इसका मतलब है कि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, चाहे किसी की भी सरकार आई रही हो, चाहे बीएसपी में बीएसपी की भी सरकार अगर रही हो तो वो भी नहीं बदल पाए हैं, उसका रीजन है ये सरकारें और ये पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी छोटी सी चीज पे भी ये घुसेंगी वहां पे तो उसको पॉलिटिसाइज करेंगी ताकि उनके वोटों का ध्रुवीकरण हो। बीएसपी हमेशा चाहेगी कि ऐसे चीजों को करें, बीजेपी भी चाहेगी, कांग्रेस भी कर रही है, ये गलत है मिश्रा जी, ये बयान मत कीजिए, बीएसपी क्यों चाहेगी, अगर समाज समस्या को दूर करने के लिए उपाय एक बहुपोली होना चाहिए, जहां ये पॉलिटिशियन घुसते हैं वहां बेड़ा गर्क हो जाता है। मिश्रा जी चलिए, नहीं देखिए मैं होता ना, एके मिश्रा जी बताइए, एके मिश्रा जी इस मुल्क में, एके मिश्रा जी इस मुल्क में, इस एक मिनट रुक जाइए, अभी रुक जाइए, एके मिश्रा जी देखिए, एक चीज से आप इनकार नहीं कर सकते कि एक ऐसा मुल्क है कि जब तक किसी मसले पर राजनीतिकरण ना हो, पॉलिटिसाइजेशन ना हो, तब तक सोल्यूशन निकलता भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझिएगा, किसान हो, दलित हो, ओबीसी हो,
घोटाला हो घपला हो, जब तक राजनीतिकरण नहीं होता ना तब तक सोल्यूशन निकलता नहीं है। नहीं देखिए राजनीतिकरण, राजनीतिकरण का मतलब सिर्फ इस बात से सहमत हैं आप इस बात से जो कासगंज की घटना हो रही है? सर मैंने पहले ही बोला ना, मैंने तो बोला से नहीं होने वाला, मैंने बोला हजारों साल से ऐसी घटनाओं का हमारे समाज में कोई हजारों साल से क्या अगर ये होता है तो ये निंदनीय है और मैं खुलेआम मैं निवेदन करना चाहता हूं। बोलिए सर। मैं इस देश के जो गैर दलित गैर आदिवासी समाज है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अपने समाजों को ये निर्देश दीजिए कि जो भी दलितों पर अत्याचार करेगा, आदिवासी पर अत्याचार करेगा, उसका समाज से बहिष्कार करेगा। अभी ये डिबेट ट्रैक पे आया, मैं बोल रहा हूं सर ये सामाजिक समस्या है। कबीरदास के टाइम पे ऐसी समस्याएं थी, कबीरदास ने बहुत काम किया। अब आपने वाकई में बड़प्पन की बात की है। मैं बोलता हूं जिस गांव में कहीं पे भी ऐसी समस्या होती है उस गांव में जितने भी समाज रहते हैं, दलित से लेकर ब्राह्मण छत्री ठाकुर वैश्य मुस्लिम जितने भी हैं, उनके बुजुर्गों को अगर, और मैंने ये देखा है, अगर ये बुजुर्ग लोग बैठ के आपस में बात कर लेते हैं, न कोर्ट जाने की जरूरत, न कचहरी जाने की जरूरत, न मीडिया का टाइम, न गवर्नमेंट का। लेकिन होता क्या है, हर गांव में अगर कहीं बुजुर्ग बैठ के बात भी कर रहे हैं ना, वहां पे कोई ना कोई नेता आ जाएगा, फिर ये मुद्दा बीएसपी का हो जाएगा, तो ये मुद्दा बीजेपी का हो जाएगा, तो ये जी ये चीज है तो ये कांग्रेस की हो गई। ये पहली बार आपने पूरे डिबेट में, ठीक है, आप राजपूत समाज की निंदा करते हैं यहाँ पे बैठ के। राजपूत समाज जो है बहुत छोटी मानसिकता है, बहुत गंदी मानसिकता है। आप राजपूत समाज को ठीक है, मैसेज दे दीजिए। मैं रुक जाइए, नहीं मैं बाल जी रुक जाइए, मैं सावित्री बाई फुले के पास जाना चाहता हूँ। मैं सावित्री बाई फुले के पास में जाना चाहता हूँ। आप सब लोग रुक जाइए सर, रुकिए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुकिए, हाँ एक मिनट रुक जाइए सर, मैं सावित्री बाई फुले के पास में जाना चाहता हूँ। सावित्री बाई फुले जी, क्या हो रहा है ना, इस पैनल में एक ही बात कही जा रही है कि दलितों को वक्त वक्त पे पॉलिटिकली हाईजैक कर लिया जाता है, उनके जो इश्यूज होते हैं वो भी पॉलिटिकली हाईजैक हो जाते हैं। और इसीलिए मेरे पास में एक दर्शक का सवाल आया है कि 2019 में सावित्री बाई फुले को हाईजैक कौन करेगा पॉलिटिकली? देखिए मैं तो आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं एक समाज सेविका हूँ और बहुजन समाज की सांसद रहेंगी या नहीं रहेंगी के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। मैं कोई सत्ता का भोग करने के लिए नहीं आई हूँ और मैं बहुजन समाज की आवाज को यदि उठा रही हूँ तो इस पर अगर मेरे प्रतिबंधित किया जा रहा है कि आप तो सरकार के खिलाफ बोल रही हैं। मैं तो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ बल्कि सरकार से मांग कर रही हूँ कि बहुजन समाज की जो आबादी है 85% सबसे ज्यादा शोषण बहुजन समाज के साथ में हो रहा है और ये जब ही बंद होगा जब भारत का संविधान लागू होगा। भारत के संविधान लागू होने से लेकर अब तक जो भी सरकारें वहां पर पहुंची हैं वो भारत के संविधान में दी गई कानून को लागू नहीं करती हैं, इसलिए कि भारतीय संविधान को नहीं मानती बल्कि मनुआ स्मृति को मानती है। मनुआ स्मृति में लिखा स्त्री शूद्रो विद्या ना ज्ञातम्, स्त्री शूद्रों को शिक्षा देना, ज्ञान देना, भरपेट भोजन न देना। अशोक सिन्हा जी, अशोक सिन्हा जी, एक मिनट रुक जाइए, जो ट्रांसलेट किया था उसमें लिखा है मैं, एक मिनट रुक जाइए, अगर ये मनुस्मृति में लिखा होता तो हजारों दलित लोग इस देश के संस्थापक भी कौन नहीं होते? महाभारत लिखने वाले भी दलित थे, सीता माता को शरण देने वाले भी दलित थे, और अभी हमारे भाई साहब ने बोला बुद्ध खुद जो है एक पिछड़े वर्ग से आते थे, उनका परिवार राजा था आज के 2500 साल पहले, ठीक है, दलितों ने इस देश में राज किया है। एक मिनट रुक जाइए, तो आप एक बार अशोक सिन्हा के पास में चलता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, अशोक सिन्हा के पास में चलता हूँ, रुक जाइए सर, उन्होंने गुनाह किया है सर, आप सब लोग रुक जाइए, आप लोग क्या हो गया, ठीक है, चीख चिल्लाहट हो गई, आपने स्वीकार किया मिश्रा जी, चीख चिल्लाहट हो गई आप लोगों की, चीख चिल्लाहट हो गई आप लोगों की, अशोक सिन्हा के पास जाना है मुझे, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए, मुझे अशोक सिन्हा के पास में जाना है, रुक जाइए अशोक सिन्हा के पास मुझे, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं भाई एक मिनट रुकिए, अशोक सिन्हा के पास में जाना है। अशोक सिन्हा जी, सावित्री बाई फुले कह रही है कि इस देश में जो भी सत्ता चला रहा है वो मनुस्मृति पर यकीन करने वाला मनुवादी सोच के लोग हैं, बतौर आरएसएस विचारक आपका मानना क्या है, और साथ ही ये भी बताइएगा आप मनुवादी सोच के साथ हैं इसके विरोध में हैं? चिंतन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिंतन है कि इस देश में संविधान सर्वप्रथम है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वो देश में लागू है, उसी के आधार पर 70 वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दल शासन करते चले आए हैं। यहां हम मनु को बिल्कुल नहीं मानते,
हम भारतीय संविधान को समझते हैं कि वह एक उचित संविधान है और उसी संविधान के अनुसार शासन को चलना चाहिए, चलाना चाहिए। और जो लोग अगर मानसिक रूप से ठीक है, फिर मुझे ये भी बता दीजिए, ये कहते हैं संघ की जो रचनात्मक व्यवस्था है, अशोक सिन्हा जी, अशोक जी, संघ की जो रचनात्मक व्यवस्था है उस वो रचनात्मक व्यवस्था कुछ इस तरह से है कि केंद्र, क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिला, तालुका, नगर, खंड, मंडल, ग्राम और शाखा। क्या इस रचनात्मक व्यवस्था में कहीं पर भी कोई दलित हेड है? मैं फिर से वही सवाल करूंगा। शुरू में मैंने सरसंघ चालक पूछा था, बाद में मैंने सहसर कार्यवाह पूछा था। आधार पे सोचते ही नहीं, पहली बात। और मैं बता दूं आपसे, मैं आपसे बता दूं कि हमारे संगठन के हर स्तर पर दलित हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग हैं। प्रभात शाखा में दलितों के लिए कोई संकल्प होगा? हमारा चिंतन सायंकाल शाखा में कोई संकल्प होगा? रात्रि शाखा में कोई संकल्प होगा? संघ मंडली में कोई संकल्प होगा दलितों को लेकर के? देखिए, मैंने कहा कि हम जाति के आधार पर चिंता नहीं करते, हम व्यवहार रूप में दिखाते हैं कि हम छुआछूत नहीं मानते। और सभी लोगों से कहलवाया है, हमने संतों से कहलवाया है कि छुआछूत पाप है। इस देश में अगर छुआछूत पाप नहीं है तो कोई भी चीज पाप नहीं है। और यही कारण है कि आप देखिए, धार्मिक जो धर्म संसद बनी थी उसमें यह प्रस्ताव पारित कराया गया। काशी में काशी डोम राजा के यहाँ भोजन किया गया, खिचड़ी खाई गई। हम सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं। और शबरी कुंभ हुआ गुजरात में, बहुत बड़ा, 6 लाख लोग इकट्ठा हुए वहां पर, समाज को सबको साथ लेकर के कैसे। ठीक है, अंत में अशोक भारती जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं भाई, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अशोक जी जल्दी लेकिन बोलिएगा, बहुत लंबा मत बोलिएगा। मैं सिन्हा जी बस आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं वो छुआछात को पाप नहीं मानता, अपराध मानता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसको अपराध मानिए, अपराधियों को सजा दीजिए। ठीक है, नहीं अब्बास जी देखिए, अनिल जी आ रहा हूं आपके पास। अनिल जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, और जिसे सावित्री फुले कह रही हैं कि इसके देश का संविधान गलत हाथों में है, वो सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको सिर्फ एक मिनट ले लूंगा। अगर आप देखिए राशिद भाई, मेरे पास पूरी लिस्ट है कि जो लोग चला रहे हैं उसमें एक भी दलित नहीं ना मुस्लिम है। मोहन भागवत जी जो है आरएसएस प्रमुख जो है वो ब्राह्मण है, नितिन गडकरी जो है वो ब्राह्मण है, सुषमा स्वराज वो ब्राह्मण है, अरुण जेटली सर सुन लीजिए, अरुण जेटली वो ब्राह्मण है। जी जल्दी बोलिए, उसके बाद मिश्रा जी के साथ में मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा। सारी लिस्ट जो पूरी कर रहे हैं, अनिल जी जल्दी बोलिए, अनिल जी जल्दी बोलिए, राहुल गांधी भी ब्राह्मण था। अरे तो अनिल जी जल्दी बोलिए, मैं यहाँ पे दो बात करना चाहती हूँ जी। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर सबका साथ जिसका अधिकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, अरे मिश्रा जी सुनिए, हिंदू और मुसलमान को यह माना चीज हो, सबका विकास यहाँ पर करते हैं, यहाँ से विभाजन करके बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, यहाँ पर मिश्रा जी नहीं, अब्बास जी, अशोक भारती जी, अनिल जी, अशोक सिन्हा जी, उनके दिल लग जाए। सावित्री बाई फुले जी और प्रदीप सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आप सबका इस डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। अंत में राशिद वर्सेस राजनीति का एडिटोरियल स्टैंड। सर रुक जाइए, हो गया सर। यूपी में दलित को घुड़चढ़ी करना इतना मुश्किल क्यों है? इसका प्रवक्ता बना दिया। माफ कीजिएगा अनिला जी, बीजेपी प्रवक्ता, माफ कीजिएगा जी 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 जी, माफ कीजिएगा अनिला जी, मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि यूपी में दलित की घुड़चढ़ी इतनी मुश्किल क्यों है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। इस प्रकार से अगर आज 21वीं सदी में और हमारे देश को जो 70 वर्ष हो चुके हैं स्वतंत्र हुए, और उसके बाद भी ये खबर बनती है, फ्रंट पेज की खबर बनती है कि एक दलित दुल्हा जो है वो घोड़े पे बैठकर अपनी बारात निकाल रहा है और वो खबर बनती है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। और मैं इस चीज को नहीं नकार सकती कि हाँ, कुछ जगह दबंग जो है वो बहुत जाति करने का प्रयास करते हैं, परंतु कानून जो है वो दलितों के साथ है और हमारे देश का कानून इतना कमजोर नहीं है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी यहाँ पे राशिद जी, जो राजनीति करना करते हैं दलितों के नाम की, तो ऐसा तो है नहीं कि उस क्षेत्र को नहीं जानते हैं, जिस क्षेत्र में या जिस जगह पे या जिस गांव, शहर, कस्बे में दलित रहते हैं उनसे उनका टच नहीं रहता है। दलितों के नाम पर राजनीति करने का मौका देता कौन है अनिला जी? माहौल है, समाजवादी पार्टी के निजाम थे, उन्होंने मौका दिया, बीएसपी के निजाम थी, उन्होंने मौका दिया, अब आप दे रही हैं, ये मौका देना बंद कीजिए ना आप लोग। नहीं बिल्कुल, मैं वही
किसी को भी नहीं देना चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ राशिद जी कि ऐसा नहीं है कि ये जो दलित चिंतक या दलित नेता जो बनते हैं अपने आप को, कृपया करके अपने अपने क्षेत्र में ये ध्यान रखें कि दलितों की कोई जाति ना हो। जहां सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो अश्योर करती है कि किसी के साथ भी जाति नहीं होनी चाहिए। और मैं ऐसी, जहां तक दलितों का सवाल है, उनके साथ कानून खड़ा हुआ है तो उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक नहीं, आप ही की पार्टी के सांसद हैं, आप ही की पार्टी के सांसद हैं, बीजेपी की सावित्री बाई फुले। हालांकि सावित्री बाई फुले हैं बीजेपी के सांसद, लेकिन इनके नाम के साथ आजकल लगता है नाराज बीजेपी के सांसद। सावित्री बाई फुले जी, क्या यूपी में दलित को डर लगता है? क्योंकि मैं एक समाज की स्थिति आज बहुत ही दयनीय स्थिति में है। आप लोग टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है कि बहुजन समाज का परिवार अगर वो घोड़ी पर सवार होकर के बारात जाता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है। बहुजन समाज का व्यक्ति अगर घोड़ियों से दूल्हे बनकर के बारात जाता है तो उसको मार मार करके उसको लोलुहान कर दिया जाता है। यही नहीं, पूरे प्रदेश भर में बहुजन समाज की स्थिति आज बहुत दयनीय है। आप लोग टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलता होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी जा रही है जो भारतीय संविधान निर्माता है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ने वाले लोगों की गिरफ्तारियां आज तक आखिर क्यों नहीं कराई गई? कौन उनको बचा रहा है? तो पूरे देश भर में और प्रदेश भर में बहुजन समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लगातार घटनाएं घट रही हैं। बहुजन समाज की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर वो थाने में जाते हैं एप्लीकेशन लेकर के एफआईआर लिखाने के लिए तो बहुजन समाज की एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है। निरंतर घटनाएं हो रही है। इस स्थिति में मैं मांग करना चाहती हूँ सरकार से कि भारतीय संविधान लागू होना बहुत ही जरूरी है। हमने तो देखा है कि भारत के संविधान का ढांचा तो लागू है, लेकिन भारत के संविधान में दी गई कानून आज तक लागू नहीं किया गया। अगर भारत का संविधान पूरे तरीके से लागू हो जाए तो देश में जो आज घटनाएं घट रही हैं, ये निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगी। और हम इसीलिए, मैं लगातार लोकसभा में भी बोल चुकी हूँ और मैं सड़क पर भी आंदोलन कर रही हूँ कि भारत का संविधान दुनिया के संविधान से सबसे बढ़िया संविधान भारत का संविधान है। और जिस दिन भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाएगा उस दिन भारत में चिराग उठा करके भी आप गरीबी ढूंढेंगे, लेकिन भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। ठीक है, अशोक भारती दलित चिंतक, सावित्री बाई फुले जी आप रही है। अशोक भारती दलित चिंतक मेरे साथ में मौजूद हैं। अशोक भारती जी, 1950 में जब हमने संवैधानिक गणतंत्र को अपनाया था तब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से बहिष्कृत जातियों के लोगों को मौलिक और कुछ विशेष अधिकार मिले थे। संविधान की कुछ धाराएं भी हैं जो उनके लिए कुछ अलग सी बात करती हैं, 330, 332, 244। इनके मुताबिक उन्हें राज्य, देश और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि इन्हें कुछ और अलग विशेष तरीके से इन्हें सुविधाएं दी जाएंगी और दलित इनमें शामिल थे। क्या तब से लेकर के अब तक दलित अभी भी डरा हुआ है और इतना डरा हुआ है कि उसे घुड़चढ़ी करने में भी डर लगता है? देखिए, ये जो अभी कासगंज की घटना हुई है उस घटना से तो यही लगता है कि 6 महीने सरकार के साथ दलित समाज की लड़ाई हुई, मसला हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद जाकर 6 महीने बाद भारी पुलिस फोर्स की उपस्थिति में वो घुड़चढ़ी हुई। इस बात के लिए मैं ठाकुर समाज को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने की जो गंदी सोच है उन्होंने समाज के सामने रखी। मैं चाहता हूं ऐसी घटनाएं वो बार बार करें जिससे लोगों को पता लगे कि उनका दिमाग कितना सड़ा हुआ, कितना गंदा और दलितों के प्रति विष से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो, हमको ये समझना है कि उत्तर प्रदेश के 17 सांसद भाजपा के हैं जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, जिसमें सावित्री बाई फूले भी हैं। अगर आपको तलवे चाटने से फुर्सत हो तो रिजाइन कर दीजिए इसके खिलाफ। क्यों नहीं रिजाइन करते? सावित्री बाई फूले जी, लोकसभा से इस्तीफा दे दीजिए। 17 लोग तो कम होंगे, समाज पे बोझ तो कम होगा, कम से कम समाज ये सब्र कर लेगा। सावित्री बाई फूले जी, सांसदों ने
कम से कम समाज पे अत्याचार हुए उसके लिए रिजाइन कर दिया। ठीक है सावित्री बाई फुले जी, यहाँ पर अशोक भारती बहुत ही जागरूक दलित चिंतक हैं, उन्हें ही कोट अनकोट मैं कर रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैं उन्हें ही कोट अनकोट कर रहा हूँ कि सत्ता के तलवे चाटने वाले कई ऐसे नेता हैं जो कि दलित बिरादरी से आते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए मुखालफत तो करते हैं, विरोध तो करते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? ये दलित चिंतक का कहना है जो यहां पर बैठे हुए हैं। मैं तो सत्ता का भोग करने के लिए नहीं आई हूं, मैं बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए मैं आई हूं। आज मैं राजनीति में हूं तो चाहे वो लोकसभा में, चाहे वो 2014 हो, आज की तारीख में बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने वाली पार्टी कौन सी है? आइए ना सड़कों पे हमारे साथ, 2 अप्रैल के आंदोलन में कहाँ थी और कहाँ थी आपकी पार्टी? दलितों पे हमला करवा रहे थे आप लोग मिलकर, ये जो जिस रंग के कपड़े आपने पहन रखे हैं वो आपकी विचारधारा को बताता है, ये शेर की खाल में सियार चलने वाला नहीं है। सावित्री बाई फुले जी जवाब दीजिए। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि ये जो रंग मैं पहनी हुई हूँ ये तथागत गौतम बुद्ध का रंग है और ये 2000 साल पहले जब तथागत गौतम बुद्ध जी आए थे तो ये तथागत गौतम बुद्ध जी की मैं अनुयायी हूँ और तथागत गौतम बुद्ध जी ने ही कहा था बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का आंदोलन उन्होंने किया था। अच्छा बस ये बता दीजिए कि आज की तारीख में कौन सी ऐसी यूपी की पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करती है? सावित्री बाई फुले जी बता दीजिए लोगों को किस पार्टी में अब आप जाएंगी, किस पार्टी का टिकट मिलने वाला है 2019 में, ये बता दीजिए। बीएसपी से मायावती जी से बात हो गई आपकी? पहले तो मेरी बात को पूरी बात तो सुन लेने दीजिए आप तो पहली बात तो बात तो हमारी सुन लीजिए, जो प्रश्न किया उसका जवाब तो सुन लीजिए, पहले बीच में आप काट दे रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध जी का जो आंदोलन था उस आंदोलन को कबीर साहब लेकर के चले, उस आंदोलन को रविदास साहब लेकर चले, उस आंदोलन को माता जी के पुणे जी चले, उस आंदोलन को प्रसाद यादव जी पहनते हैं वो सत्ता में नहीं जाते, वो समाज की सेवा करते हैं, वो सांसद नहीं बनते, वो मंत्री नहीं बनते, वो योगी की नकल नहीं करते। तो आप रुक जाइए, नेता समाजवादी पार्टी भी प्रदीप सिंह जी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, दलितों के साथ असल ईमानदारी किस पार्टी ने दिखाई है? नंबर एक, दलितों के हित की हर कोई बात करता है लेकिन दलित का हित और उन्हें सुरक्षित कोई क्यों नहीं रख पाता? नंबर दो, दलित के नाम पर असल सियासत कौन करता है और असल सियासी फायदा कौन लेता है? नंबर तीन, और दलित की हालत किस तरह से सुधर सकती है क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 80 साल में किसी गांव में पहली बार दलित ने घुड़चढ़ी करने का की हिम्मत दिखाई है। प्रदीप जी, नहीं ये परंपरा घुड़चढ़ी का हो सकता है उस गांव में पहली बार हुआ लेकिन ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, वहां उस गांव में पहली बार हुआ हो ये हो सकता है, लेकिन जिसने भी उसको रोकने का प्रयास किया वो निंदनीय है। और मुझे लगता है कि जो आपने भावनगर की घटना बताई, आपने निजामपुर की जो कासगंज की घटना बताई, दोनों घटनाएं कहीं कहीं इस तरह हैं कि दलितों को आज भी दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ग एक जाति द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे दलित चिंतक जो कह रहे थे, मुझे लगता है कि इसमें लोगों को कहीं कि अपने मानसिक रूप से जागरूक होने की जरूरत है। आज दलित समाज में जागरूकता तो आई है लेकिन उस जागरूकता इस हद तक आ जाए और वो जागरूकता कहीं कहीं दलितों के अलावा और वर्ग में भी आनी चाहिए कि कम से कम इस तरह की घटनाएं ना हो। और मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि रोहित बेमुला की मरने के बाद कि मुझे मार लीजिए लेकिन किसी दलित को न मारिए, तो इस तरह की घटनाएं उसके बाद भी हो रही हैं। उसके बाद ऊना कांड हुआ, दलितों को मारा गया, उत्तर प्रदेश में आपने कन्नौज हापुड़ तमाम ऐसी जगह घटनाएं हुई, ठीक है, जहां पे दलितों को नंगा करके मारा गया। बीएसपी नेता नहीं मैं बात मेरे साथ के कहने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये दलित वोट बैंक की माल में कहीं कहीं कमी है। ठीक है दलित नहीं मैं बात जी दलित वोट बैंक की नाव पर बैठ करके सियासी वैतरणी न जाने कितनी बार मायावती जी ने भी पास की है, लेकिन उसके बावजूद भी कासगंज जैसी घटनाएं, कन्नौज जैसी, मुजफ्फरनगर जैसी, गुजरात के भावनगर जैसी, ऊना जैसी, ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती रहती हैं? ऐसे तो दलित वोट बैंक के नाम पर जम करके कार्ड अगर सबसे ज्यादा इस देश में किसी ने खेला तो मायावती ने खेला, लेकिन दलित का भला वो कर क्यों नहीं पाई?
राशिद भाई 2007 से लेके 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही और उस सरकार में आपने देखा होगा कहीं भी किसी तरीके का कोई वायलेंस नहीं हुआ, किसी भी दलित या मुस्लिम या किसी भी वर्ग के व्यक्ति को नाजायज कहीं सताया नहीं गया। ये आपने देखो, आप फ्यूचर भी उठा के देख सकते हैं कि इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। और मैं आज अपनी बहन जो मेरी अनीता जी बैठी, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये बहुत गलत बात हो रही है, जो इस तरीके से हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। उन्होंने कम से कम आज मान तो लिया है कि कम से कम दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उन्होंने माना, क्योंकि सरकार उनकी है, केंद्र में भी सरकार उनकी है, राज्य में भी सरकार उनकी है, उसके बावजूद भी एक दलित को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। वो एसएसपी के चक्कर लगा रहे हैं, एसएसपी मना कर रहा है कि नहीं जी आप नई परंपराएं मत शुरू करिए। ये कहां की नई परंपराएं शुरू हो गई हैं, ये कोई नई परंपरा थोड़ा ही है। अगर कोई इंसान अपनी बारात घोड़ी पे चढ़ाना चाहता है, बैंड बाजे के साथ चढ़ा जाता है, उसका हक है, ये हिंदुस्तान का संविधान उसको आजादी देता है, आप कौन हो उसको रोकने के लिए। लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, इसमें सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल गलत है। सरकार अगर चाहती तो उसकी घुड़सवारी से बारात भी चढ़ती और बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन सरकार उन लोगों को पूरा संरक्षण देती है। अनिल जी से काम करते हैं, काम करते हैं, अनिल जी से एक सवाल पूछता हूं मैं, क्योंकि उसके बाद मुझे अच्छा अपनी बात पूरी करें, नहीं भाई अपनी बात पूरी करें। आप देखिए जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो है एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को मार देता है, वो गाय के उसके शक में, और उसके बावजूद इनके नेता आते हैं और उसको माला से बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं। ऐसी घटनाएं जब इस तरीके से घटेंगी और नेता उन लोगों को पूरी बिल्कुल आजादी देगा कि आप आजाद हो, मैं आपको बड़ा मान सम्मान कर रहा हूं, आपने देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया, एक मुसलमान को मार दिया, एक दलित को मार दिया, उसको वो इतना सम्मान दे रहे हैं, तो लोगों का हौसला बढ़ेगा ना के घटेगा। आप देखिए इसमें सबसे बड़ा संरक्षण अगर कोई दे रही है तो बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है। बीजेपी जानबूझ के मुस्लिमों पे और दलितों पे अत्याचार जानबूझ के करा रही है, ये इनकी मंशा है। अच्छा, आपका ये कहना है कि मुस्लिमों पे और दलितों पे जानबूझ करके बीजेपी अत्याचार करा रही है। अनिला जी आप इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे, और साथ ही एक सवाल मैं और भी जोड़ देता हूं, 2014 में अगर उत्तर प्रदेश के जरिए रायसीना हिल्स की सियासत पर कब्जा जमाया था बीजेपी ने, तो इसके पीछे अनिला जी एक बहुत बड़ी वजह थी, 17 दलित सांसद जो बीजेपी से चुन करके आए, लेकिन दलितों पर इतना अत्याचार हुआ है 2019 में, आप लोगों को लगता है कि दलित एक बार फिर से इतना विश्वास आप लोगों पर कर पाएगा कि 17 सांसद चुन करके आपको दे दे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं सावित्री बाई फुले जी जो इतना सब कुछ बोल रही हैं सरकार के विषय में, उनसे मैं उनकी बात का जवाब दूंगी, और फिर अभी नईम अब्बासी जो बीएसपी से हैं उनका, फिर आपका, मुझे बस 30 सेकंड दे दीजिएगा। सावित्री बाई फुले जी ने अभी बहुत कुछ कह दिया कि सरकार ये सरकार वो, भारतीय जनता पार्टी से ही वो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी ने ही एक दलित नेता है ये, उस नाते इनको टिकट दिया और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। और पहली बात तो मैं इनको याद दिला दूं, अभी अभी इन्होंने भगवा रंग के विषय में कहा कि मैं गौतम बुद्ध की फॉलोवर हूं इसलिए रंग को धारण करती हूं। 2000 वर्ष पहले गौतम बुद्ध आए थे और बुद्धिज्म शुरू किया था, 2000 नहीं 2500, तो जिस धर्म को आप मानती हैं तो कृपया करके उसके विषय में अच्छी तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए। और रंग जो है वो किसी धर्म से नहीं केवल बंधा होता है, भगवा का अर्थ जानिए और फिर भगवा के विषय में बताइए और फिर कौन इसको धारण करता है कौन नहीं धारण करता है ये इसकी आवश्यकता नहीं है। हर एक रंग का एक मीनिंग होता है, एक मायना होता है। तो और दूसरी बात यह है कि सावित्री बाई फूले जी ने ये बता दें, जो जहां से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बहराइच से, वहां पे क्या दलितों की बारात निकल रही है कि नहीं निकल रही है, या वहां पर मारपीट हो रही है, इसका उत्तर दे दें। अगर नहीं निकल रही तो ये जवाब दें, और निकल रही है तो ये अपनी बात को वापस लें। अच्छा तो अनिला जी एक बात मैं समझ नहीं पाता, इनके लिए अनिला जी दूसरी बात ये है कि लुका छिपी का खेल बीजेपी और दलित सांसदों के बीच, कंप्लीट कर दो फिर पूछिए जल्दी। हाँ जल्दी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये वो लोग हैं राशिद जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, वो लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, तो सावित्री जी के ऊपर पूरा इन्होंने आरोप मढ़ दिया, इसमें जाकर वोट मांगेंगे। मोदी जी ने लगातार सावित्री जी के ऊपर पूरा आरोप आ गया है, तो सावित्री जी आप चुप बैठी हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। काम करिए, उनपे काम करिए, ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात ये है काम ही नहीं किया, एक्सेप्ट कर रही है आप चीज को, एक्सेप्ट कर रहे कि कौन बोल रहा है कौन नहीं। अनिला जी अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा बीएसपी की बात है तो मायावती जी खुद दलित हैं, राशिद जी मायावती तो खुद दलित हैं,
महारानी है वो, महारानी है, महारानियों भी क्या लेकिन जानती हैं अनिला जी, अनिला जी क्या है, क्या है, सिर्फ सावित्री बाई फुले ही नाराज नहीं है अनिला जी, सिर्फ सावित्री बाई फुले ही नाराज नहीं है, यशवंत सिंह नाराज, नीलम सोनकर नाराज, अंजुबाला नाराज, अंशुल वर्मा, रामचंद्र निषाद, हर कोई तो नाराज है, उदित राज वो भी नाराज, मेरे साथ एक दिन फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। चुनौती देती हूँ सीधे सी बात, नहीं नहीं राशिद जी नाराज होए तो होए करे, अच्छा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उठा लीजिए दलितों से जुड़ी हुई योजनाओं को उठा लीजिए, ये उत्तर नहीं दे पाएंगे सावित्री बाई फुले की, इन्होंने कितना कार्य किया अपने क्षेत्र में, बहुत दुर्भाग्य होगा नरेंद्र मोदी जी, जब फुले जी को जो है बसपा ज्वाइन कर लेना चाहिए, उनका तो कैरियर ही पॉलिटिक्स है, कौन सा पार्टी में जाए, चलिए अगर वो रिजाइन करते तो कहाँ पे जाए, बसपा में जाए कांग्रेस में जाए, वो तो क्या है ना एके मिश्रा जी, नहीं है कि आप पार्टी छोड़ करके ही राजनीतिक पक्ष के जो है चिंता क्या, क्या होगा वो क्या होगा, राजनीतिक मौका प्राप्ति का जो तकाजा होता है पॉलिटिकल टाइमिंग के हिसाब से सावित्री बाई फुले जैसे नेता कुछ ऐसा ही करेंगे, एक काम कर लो, सुनिए एक काम कर लो, कौन सी पार्टी में उनका रहना है, एक काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है एक काम कर लेते हैं, संघ विचारक अशोक सिन्हा के पास में चलते हैं, अशोक सिन्हा जी, जहां पर विश्वास की खाई पैदा हो जाती है वहां पर नाराजगी होती है, जहां पर नाराजगी होती है वहां पर दलितों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाया करती है, और कहते हैं कि समाज के साथ में बीजेपी को जोड़ने का काम अगर इस हिंदुस्तान में किसी ने किया है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, आनुषांगिक संगठन के नाम पर आपके पास वनवासी कल्याण आश्रम है, विद्या भारती है, स्वदेशी जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, सेवा भारती है, राष्ट्र सेविका भारती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, बजरंग दल है, लघु उद्योग भारती है, विश्व संवाद केंद्र है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी पर विश्वास दलितों में पैदा करने के लिए आरएसएस पिछले 3-4 साल में कुछ कर क्यों नहीं पाया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समरसता में विश्वास करता है, और वो बार बार कहता है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, समाज में समरसता होगी तो भी समाज आगे बढ़ेगा, और ये जो छुआछूत की भावना आई है ये दलित शब्द ही बहुत पुराना नहीं है, ये 1200 वर्षों की गुलामी के अंतर्गत पैदा हुआ है, और यह कोई राजनीतिक समस्या नहीं, यह सामाजिक समस्या है, और इसी कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1,60,000 प्रकल्प उन क्षेत्रों में चला रहा है जहां पर कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग निवास करते हैं, जिसे हम अंत्योदय कहते हैं, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास कैसे हो, ठीक है, इस दिशा में 1,60,000 प्रकल्प सीधे सीधे चलाए जा रहे हैं, शिक्षा के, चिकित्सा के, और साथ ही साथ सामाजिक जागरण, अशोक जी, अशोक जी जो मेरा सवाल था, पुनर्जागरण के, अशोक जी सम्मान आपका एक तो बहुत सम्मान है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और मैं स्वयं भी व्यक्तिगत तौर से आपका बहुत सम्मान करता हूं, और चूंकि आप जो है बहुत ईमानदारी पूर्वक बात बोलते हैं, मैं कुछ नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं और ईमानदारी पूर्वक जवाब दे दीजिएगा, और चूंकि आप बड़े ओजस्वी वक्ता हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं सवाल करूंगा उसी का आप जवाब देंगे। डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिवराव गोलवलकर, मधुकर दत्तात्रेय देवरस, रज्जू भैया, के एस सुदर्शन, मोहन भागवत जी, सर संघ चालक कोई दलित क्यों नहीं हुआ अभी तक? जी देखिए, संघ का जन्म 1925 में नागपुर में हुआ, संघ को प्रारंभ करने वाले डॉक्टर हेडगेवार थे, और निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता बहुत दिनों से उस क्षेत्र में कार्य करते रहे, संघ चालक उसी दृष्टि से बनाया जाता है कि वह परिपक्व और मजे हुए, क्या कोई दलित संघ को परिपक्व, दलित परिपक्व सरसंघ चालक से बहुत से इतने साल में मिला नहीं, दलितों की भी कर्म भूमि है अशोक जी, हाँ नागपुर तो दलितों की कर्म भूमि है, दलितों की कर्म भूमि है, बाबा साहब, बाबा साहब अभी रास्ते में लोग हैं, पाइपलाइन में है, अभी उस स्थान पर नहीं पहुंचे, अच्छा सहसर कार्यवाह में है लोग, अच्छा ठीक है सरसंघ चालक, चलिए ठीक है मान गए, मगर सहसर कार्यवाह भी इस बारे में विश्वास नहीं करता कि जाति के आधार पर चिंतन हमारा नहीं है, हमारा चिंतन है कि उस जाइए हो गया, अंत में राशिद वर्सेस राजनीति का एडिटोरियल स्टैंड। देखिए दलित समाज के प्रेरणा स्रोत शख्सियत में इस हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, संत कबीर हैं, संत रविदास हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं मौजूदा राष्ट्रपति, बाबू जगजीवन राम है, गाडगे बाबा हैं, हर कोई है,
लेकिन प्रतीकों की राजनीति में इन्हें शुमार तो कर लिया जाता है, प्रतीकों की राजनीति में इनका इस्तेमाल तो कर लिया जाता है इतिहास से लेकर के मौजूदा दौर तक, लेकिन दलित की बात ईमानदारी से करने वाला अभी तक सामने नजर नहीं आता, वो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई दलित चिंतक भी यहां पर बैठ करके होकर के जाएं। दलित की बात ईमानदारी से जब तक की नहीं जाएगी और तब तक दलित का असल में उत्थान होगा भी नहीं, और ये बात हमेशा तथागत बुद्ध के वक्त से ही कही जाती रही है। राशिद वर्सेस राजनीति के इस एडिशन में इतना ही। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।